हे गाइस, अगर आप फेसबुक पे ऐड रन करते हैं, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या फिर ड्रॉप शिपिंग के लिए या फिर आप अपने किसी डिजिटल प्रोडक्ट को सेल अगर आप कर रहे हैं फेसबुक पर ऐड रन करके, तो आपको मैं अपनी कुछ सीक्रेट स्ट्रैटेजी आपके साथ में शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, जो आपके प्रॉफिट को 4 गुना से ज़्यादा यानी कि मोर देन 4 टाइम्स और 10 टाइम्स आपका ग्रो कर देगा। सो ये ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जो बहुत लोगों को नहीं पता है, और बहुत लोगों को अगर जानकारी है भी तो आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से वो अपने ऐड को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते हैं। गाइस, जैसा कि मैं पिछले तीन वीडियो पहले बना चुका हूं और तीनों वीडियो मैंने अपनी प्रॉफिट बताई है कि कैसे और किस तरीके से मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड रन करके मैंने अपने डिजिटल प्रोडक्ट को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है और किस तरीके से ये पॉसिबल हुआ है, तो उसके लिए मैं कुछ अपनी सीक्रेट स्ट्रैटेजी आपके साथ में शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो मेक श्योर गाइज, अगर इस चैनल को पहली बार आप देख रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक आपके साथ शेयर करता रहे। अगर आप फेसबुक पे ऐड रन कर रहे हैं या किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो, तो आपको कुछ बातों का आपको ख्याल रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है, पहला पॉइंट है कि अगर आप फेसबुक पे ऐड रन करें तो आपका फेसबुक का पेज इंस्टाग्राम के पेज के साथ में कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज आपस में कनेक्ट रहेंगे तो आप बहुत ही आसानी से आप अपने दोनों पेज पे आप ऐड रन कर सकते हो। जैसे कि मेरे केस में आप देखिए, यहाँ पर आपको फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज दोनों कनेक्टेड हैं और दोनों पे अच्छे तरीके से हमारा ऐड ये परफॉर्म करता है, तो एक बात है। दूसरा पॉइंट है गाइस कि आपको कस्टम ऑडियंस जरूर बनाना चाहिए आपको फेसबुक पर ऐड रन करने से पहले। कस्टम ऑडियंस का मतलब होता है कि आप जो भी फेसबुक पर आप किस ऑडियंस को आप दिखाना चाह रहे हैं अपने ऐड को, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको एक कस्टम ऑडियंस, आपको इवेंट एंड मैनेजमेंट मैनेजर आपको यहाँ पे आ जाना डाटा एंड सोर्स पे, और यहाँ पे देखिए आपको बनाना होता है कस्टम ऑडियंस। ये देखिए ऑडियंस का साइज है, आपको ऑडियंस के सेगमेंट में आ जाना और यहाँ पर आपको ऑडियंस आपको ज़रूर बनाना चाहिए। जैसे मेरे केस में देखिए, मैं यहाँ पर बना चुका हूँ, ऑडियंस की साइज है हमारा 90 डेज। आपको ये देखिए लुक लाइक ऑडियंस 1% लुक लाइक ऑडियंस मैंने बनाया जो कि रेडी है, लुक लाइक ऑडियंस एक और है, उसके बाद में 90 डेज वेबसाइट विजिटर का ऑडियंस है, 90 डेज वेबसाइट विजिटर देख रहे हैं, 7 डेज वेबसाइट विजिटर, 1 डे वेबसाइट विजिटर। अगर मुझे कोई ऐड के अंदर कोई ऑफर रन करना है पर्टिकुलर, वो 24 घंटे के लिए वैलिड रखना है एक पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के लिए, तो आपको ये सारे ऑडियंस आपको काम आता है। उसके बाद में 15 दिन का वेबसाइट विजिटर ऑडियंस भी हमने बनाया है, 30 दिन का भी बनाया, 180 दिन का भी बनाया, यानी कि आप 6 महीने तक का डेटा को आप अपने फेसबुक पिक्सल के माध्यम से आप अपने ऑडियंस के डेटा को रख सकते हैं फेसबुक के पेज पर। उसके बाद बात करते हैं गाइस, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कोई भी ऐड रन करने से पहले आपको फेसबुक पिक्सल को जरूर इंस्टॉल कर लेना चाहिए, और इंस्टॉल करने के बाद में आपको उसे अपने लैंडिंग पेज पे जरूर लगाना चाहिए। जैसे कि मेरे केस में मैंने लगा रखा है, यहाँ देखिए फनल का पेज है जिसके ऊपर मैं डिजिटल प्रोडक्ट का मैं पे करता हूँ, ये मैं ऐड रन करता हूँ, और ये इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि फेसबुक पिक्सल का यहाँ पे हमने सेटिंग के ऑप्शन में आते हैं, systemy.io पे मैंने ये बना रखा, और यहाँ पर आने के बाद में सेटिंग पे जब हम आते हैं, सेटिंग पर आने के बाद में यहाँ पे एडिट हेडर सेक्शन, हेडर सेक्शन में आप यहाँ देख रहे हैं कि मेटा पिक्सल कोड मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा हुआ है, और पैरेलली हमने गूगल टैग मैनेजर, गूगल टैग को भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है, क्योंकि मैं गूगल पर भी ऐड रन करता, पिक्सल उसको डेटा को ट्रैक करता है और बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से वो डेटा को रीड करने में कामयाब होता है, जिससे कि हमें काफ़ी उसकी हेल्प होती है। तो आपको यहाँ पे हेडर और फुटर दोनों सेक्शन में आपको पिक्सल को इंस्टॉल कर लेना चाहिए, और पैरेलली आपको ये भी पता करना चाहिए कि आपके पिक्सल बराबर तरीके से इंस्टॉल हुए हैं या नहीं। उसके लिए क्रोम एक्सटेंशन आता है पिक्सल हेल्पर के नाम से, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए मेरे केस में मैंने यहाँ पे मेटा पिक्सल हेल्पर के नाम से क्रोम एक्सटेंशन आता है, आप उसे ऐड कर सकते हैं, और ये देखिए यहाँ पे ग्रीन दिख रहा, पेज व्यू दिख रहा, मेटा पिक्सल यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, और ये पूरी तरीके से आपको बताता है कि पिक्सल इंस्टॉल है या नहीं। सेम पैरेलल ट्रैक की बात करते हैं तो गूगल टैग का भी आता है, टैग असिस्टेंट करके एक आता है, उसको भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि आपके गूगल टैग असिस्टेंट में ये आया है या नहीं है। तो इस तरीके से आपको डेटा आपको यहाँ पे ट्रैक करने में बहुत ही आसानी होती है। उसके अलावा बात करते हैं गाइस कि बिना पिक्सल को इंस्टॉल किए अगर आप ऐड रन करेंगे तो वो आपके डेटा को ट्रैक नहीं कर पाएगा और आपके लॉस होंगे।
और इस डेटा को कहाँ से करेंगे हम उसके बारे में आपको आपके साथ शेयर करते हैं। अब देखिए मैंने ऑडियंस इतनी सारी है, मैंने ऑडियंस बना रखे हैं। बनाने के बाद में हम इसको और हम आपको दिखाते हैं, ऑल टूल्स में आते हैं और यहाँ पे आते हैं इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजर में आने के बाद में आपको दो प्रकार से इवेंट रिकॉर्ड करता है हमारा पिक्सल। एक होता है कि कस्टम इवेंट होता है जो, और दूसरा होता है कस्टम इवेंट और कस्टम कन्वर्जन, दो डिफरेंट इवेंट होता है। जैसे मेरे केस में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मेरा एक डिजिटल प्रोडक्ट का वर्कशॉप वेबिनार हमारा चल रहा है, जिसके ऊपर आप देखने पेज व्यू को मैं यहाँ ट्रैक कर पा रहा हूँ, जिसमें 784 लोगों ने अब तक यहाँ पर आया है। और कब आया, कैसे आया, किस तरीके से आया, पूरा डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए यहाँ पे 1 मई 2 मई 24 अप्रैल से लेकर कंटिन्यू ये हमारा ऐड चल रहा है और उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिलता है। व्यू डिटेल पे जब आप जाते हो तो जाने के बाद ये डेटा को पूरे बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पे डाटा सोर्स में आप देखोगे कि कब आया, कहाँ से आया, किस तरीके से आया, सारा डिटेल आपको चेकआउट करके यहाँ पे बताता है। उसके अलावा ये URL को भी ट्रैक करता है, देखिए इस तरीके से URL यहाँ पे आता है। उसका डोमेन डिवाइस आपको ये भी बताता है कि किस डिवाइस से यूजर्स आपके वेबसाइट पर आए हैं, ये देखिए डेस्कटॉप मोबाइल फ़ोन, ये पूरा का पूरा डेटा आपको यहाँ पे ट्रैक करके आपको बताता है। उसके अलावा आपको इवेंट सोर्स में अगर आप जाओगे तो इवेंट सोर्स में जाने के बाद में इस तरीके से डेटा आपको दिखाएगा कि कितने लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं, किस तरीके से आए हैं, क्या उनका यूज़र एक्सपीरियंस रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखता है। उसके अलावा एड सेट की बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पर आपको एड सेट और सिंपल एक्टिविटीज़ की दोनों चीज़ें दिखता है। यहाँ पर देखिए ये मेटा पिक्सल ने पूरा का पूरा ट्रैक किया है मेरे डेटा को, ये देखिए मेटा पिक्सल ने पूरा का पूरा डाटा को, जब से मैं ऐड रन कर रहा हूँ वो तब से ये पूरा का पूरा डेटा को इन्होंने रीड किया, रीड करके यहाँ पर हमें पेज व्यू दिखा रहा है कितने लोगों ने पेज व्यू किया। उसके बाद बात करते हैं गाइस कि पेज व्यू के बाद में हमारे जो व्यू कॉन्टेंट का मतलब होता है कि 141 लोगों ने व्यू कॉन्टेंट को अच्छे तरीके से उन्होंने देखा है, यानी कि उन्होंने पेज नीचे आया है और पेज को देख कर। उसके बाद में देखिए यहाँ पे व्यू कंटेंट में हम जाते हैं तो यहाँ भी हमें डेटा का पूरा एक्यूरेट डेटा वो अप्रोक्सीमेटली बताता है। थोड़ा सा 19-20 का डेटा का फर्क होता है कि क्योंकि फेसबुक का पिक्सल एक्यूरेट डेटा को कलेक्ट नहीं करता है, लेकिन थोड़ा सा आपको 10% 20% की आपको मार्जिन रखना पड़ेगा जिसमें डेटा को आपको पता चलेगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर दिख रहा है। उसके अलावा बात करते हैं गाइस कि यहाँ पे हमारा पेज व्यू के साथ साथ हमारा बना हुआ है कंटेंट व्यू, उसका लीड सबमिट, कितने लोगों ने लीड सबमिट किया, तो इनके अकॉर्डिंगली ये उन्होंने 36 लोगों ने लीड दिया है। 36 लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लीड सबमिट हुआ। लीड सबमिट के बाद में सीधा हम आ जाते हैं परचेज पे। परचेज पे ये हमें दिखा रहा है कि 14 लोगों ने इस हमारे जो डिजिटल प्रोडक्ट है उसे परचेज किया है। व्यू डिटेल में जाने के बाद में आपको यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा आपको दिखाएगा कब परचेज हुई है, कैसे परचेज हुई है, पूरा का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिखाता है कहाँ कहाँ से आए हैं यूजर, ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे दिखाता है कितने तारीख को परचेज हुआ, कितने बजे हुआ, ये पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिखता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि जब भी आप फेसबुक पर आप ऐड रन करने वाले हो तो उसके पहले आपको ये सारे के सारे कस्टम इवेंट जरूर लगा लेना चाहिए। उसके अलावा आपको एक कन्वर्जन, कस्टम कन्वर्जन होता है, कस्टम कन्वर्जन भी आपको ऐड ऑन करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए पेज व्यू विजिटर, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बना रखा, एक हमारा एक्टिव है। उसके अलावा यहाँ पे मेजरमेंट करने में काफ़ी आसानी होती है कि जब आप अपने ऐड को ऑप्टिमाइज़ करोगे तो आप बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो कि आपका ऐड किस दिशा में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है और क्या एक्सपीरियंस है, यूज़र एक्सपीरियंस है। उसके बाद बात करते हैं गाइस ऐड की मैट्रिक्स भी आपको पता होना चाहिए कि ऐड की मैट्रिक्स को रीड करना आना चाहिए। रीड करने के लिए आपको सीधा ऐड मैनेजर पे आ जाना है और ऐड मैनेजर पे आने के बाद में देखिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पे ऐड मैनेजर, ये रहा हम ऑल टूल्स में जाते हैं। ऑल टूल्स में जाने के बाद सीधा हम कैंपेन पे जाते हैं और ये हमारा अभी जो ऐड है, जो एक्टिव ऐड है वो ये हमारा चल रहा है। अब आपको एक करेक्ट मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए कि ऐड कैसा और किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो आपको देखिए यहाँ पर जो मेरा है 7 इन रिजल्ट, हमारा वेबसाइट ट्रैफिक, हमारा एक ऐड रन हो रहा है जिस पे इतने सारे हमारे ऐड एक्टिव हैं और तकरीबन हमारा जो रीच आउट हुआ है ये देख सकते हैं कि वेबसाइट ट्रैफिक ये रहा। इसके साथ साथ जाते हैं कि 291 रिजल्ट हैं और तकरीबन हमारी जो रीच आउट हुई है 24,265 लोगों को रीच आउट किया गया है और ये हमारा फ्रीक्वेंसी 1.75 है जो कि विच इज़ बेटर देन प्रीवियस, 1.25 से ज़्यादा होना चाहिए फ्रीक्वेंसी। और ये जो कॉस्ट पर रिजल्ट हमें पड़ रहा है 3.84 रुपये पड़ रहा है, 3.84 पैसे यानी 3.84 रुपये पड़ रहा है और ये हमें पड़ रहा है तकरीबन 175 रुपये पर डे का हमारा एक ऐड चल रहा है। उसके अलावा हमारा जो अमाउंट एक्सपेंड हो चुका है वो 1,118 रुपये अमाउंट हो चुका है जो कि अभी 15 मई तक कंटिन्यू चलेगा
और इम्प्रेशन 41,372 लोगों को गया है, 41,372 लोगों को गया हुआ है। और कॉस्ट पर इम्प्रेशन जा रहा 1,000 जा रहा है, हमारा सीपीएम जा रहा है 27 रुपीज़ 4 पैसे। लिंक क्लिक आए हैं टोटल 540 लिंक क्लिक्स हैं, और हमारा सीपीसी पड़ा 2 रुपये पड़ रहा है पर लिंक क्लिक। सीटीआर हमारा 1.31 है, जो कि सीटीआर 1.25 से ज़्यादा होना चाहिए। सीटीआर का जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपकी कॉस्ट पर क्लिक कम पड़ेगा। सीटीआर पे हमेशा काम करते रहना चाहिए। उसके बाद में सेकेंड आता है कि हमारा सीटीआर वेबसाइट ट्रैफिक 1.58 है यहाँ पे, और सीपीसी पड़ रहा है 1.7, 1 रुपये 71 पैसे पड़ रहा है। तो इस तरीके से डेटा को मैट्रिक्स करना भी आना चाहिए। और पैरेलली आपको एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप जब कभी भी ऐड रन करें तो क्रिएटिव को आपको ए बी टेस्टिंग जरूर करना चाहिए। जैसे कि मैंने नीचे के केस में देखे, ए बी टेस्ट मैंने किया है, क्रिएटिव टेस्ट किया है, बिनिंग एड सेट फाउंड जब वो आता है तो आप सी रिजल्ट में जब आप जाओगे तो सी रिजल्ट में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्लियर करके वो बताएगा कि फेसबुक पर जो भी आप क्रिएटिव एड्स रन कर रहे हो, यानी कि 100 ट्रैफिक आ रहा तो 50% 50-50 आपको दो डिफरेंट क्रिएटिव पे वो शेयर करेगा, सेंड करेगा डेटा को, और वहाँ पर ये बताएगा कि आपको सस्ता कौन सा ऐड पड़ रहा है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे देखिए, एक हमने दो क्रिएटिव हमने ऐड किया था, वहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस था, ब्रांड अवेयरनेस दोनों था, और हमारा एडसेट वन यहाँ पे एक क्रिएटिव हमको 40 रुपये पड़ रहा था कॉस्ट पर रिजल्ट, और यहाँ पे 27 रुपये पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि 27 रुपये वाला हमारा सस्ता हुआ। उसके बाद में रिजल्ट भी हमने यहाँ पे दिया 5,792, मतलब 5,792 है रिजल्ट, यहाँ पे 1,860 है, और यहाँ पे रिच आउट जो हुआ है 5,792 और यहाँ पे 1,860। इम्प्रेशन इतना आया है, सीटीआर इतना आया है, और अमाउंट एक्सपेंड हुआ हमारा 50। तो इम्प्रेशन ये खुद बताता है कि आपका जो बिनिंग ऐड है ये है, और आप इसके ऊपर आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो अगर आप ऐड रन कर रहे हो, मान लीजिए कि 100 रुपीज़ का, तो आप 150 आप इसका इंक्रीज़ कर सकते हो, इनका बजट इंक्रीज़ कर सकते हो, 20-30% आप इंक्रीज़ कर सकते हो, या उस ऐड को सीधा कॉपी करके आप दूसरे ऐड सेट रन कर दो, उस पर बजट आप इंक्रीज़ कर सकते हो, कॉस्ट पर बजट ऑप्टिमाइज आप कर सकते हो बहुत ही आसानी से। उसके बाद बात करते हैं गाइस कि सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है किसी भी ऐड को अच्छा परफॉर्म करवाने के लिए, ताकि आपका ऐड परफॉर्म अच्छा करे। और इन सारी चीज़ों का फ़ायदा ये होता है कि जब आप लुक लाइक ऑडियंस बनाते हैं, तो लुक लाइक ऑडियंस में ये होता है कि जब आप ऐड आपके मिनिमम 500 परचेज हो चुका है, तो आप ऐड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। फेसबुक आपको जिस तरीके के लोगों ने परचेज किया है, लोगों ने आपके कॉन्टेंट आपके प्रोडक्ट को, उसके जैसा ही फेसबुक आपको लुक लाइक ऑडियंस को ही आपका ऐड दिखाएगा। तो वहाँ पर असली पैसा छुपा होता है, वहाँ से आप अच्छे खासे रिवेन्यू जनरेट कर सकते हो। उसमें से बात आता है कि 1% जो डेटा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1% जो लोग हमारे हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदा है, उनके जैसा लुक लाइक ऑडियंस 1% मैच कर सकते हो, या 1-2% के बीच में जो मैच करता है उसके जैसा आप ऑडियंस बनाकर भी आप उनको मार्केट कर सकते हो। उसके बाद में लुक लाइक ऑडियंस और ये मैच आता है हमारा। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से अगर आप ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हो, तो आपको मैं आने वाले समय में धीरे धीरे करके मैं जैसे जैसे ऐड को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाऊंगा, मैं आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, और आप भी इसको पैरेलली एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं आप अपने ऐड में। क्योंकि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के करियर में हैं, या फिर ड्रॉप शिपिंग के करियर में हैं, या फिर किसी क्लाइंट के लिए अगर आप ऐड परफॉर्म कर रहे हैं या चला रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये सारी चीज़ें, टिप्स और ट्रिक जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आशा करता हूँ गाइज आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, अगले वीडियो में बात करेंगे और भी कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। अगर वेबिनार डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, उसके लिए मैंने एक वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूँ, तो आप नीचे दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करके वेबिनार जरूर अटेंड करें। 0 कॉस्ट हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन हैं, जस्ट ईमेल आईडी आप वहाँ पे फिलअप करेंगे, और आपको 30 मिनट्स की फुल वैल्यू के साथ में आपको वेबिनार आपको देखने का मौका मिलेगा, जहाँ पर ये बताया गया कि डिजिटल प्रोडक्ट होता क्या है, कैसे बनाए जाते हैं, रीसेल राइट्स आप कैसे लेंगे, वो सारी चीज़ें हमने उसके साथ शेयर किया है। तो जस्ट गो एंड लर्न मोर के बटन पर क्लिक करें नीचे दिए डिस्क्रिप्शन पे, और वहां से वेबिनार जरूर अटेंड करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड